क्या कुछ निर्णय लिए गए? सर क्या निर्णय लिए गए सर आज की मीटिंग में, बताइए। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय जी, माननीय बिहार विकास के शिल्पकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सपने और भविष्य के बेहतर शिक्षण संस्थान के रूप में बिहार को एक सौगात है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, आप सब लोग देख रहे हैं, रोज नए नित शिक्षा के क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रयोग कर रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो चिंता है वो कैसे फलीभूत हो, इस विश्वविद्यालय का जो उद्देश्य था बनने का उसको हम कैसे पूरा करें, ये बैठक के दरमियान इन चीज़ों पर चर्चा होती है और तदनुसार कार्रवाई होती है। सर शिक्षा विभाग ने सर कुछ छुट्टियां रद्द की हैं, शिवरात्रि है, बसंत पंचमी, छुट्टियां रद्द कर दी हैं सर, ये कल रात में लेटर जारी हुआ है आपके विभाग से, लेटर जारी हुआ है तो सरकार के स्तर पर मुझे इस बात की जानकारी आपसे मिल रही है, सरकार के स्तर पर यह निर्णय नहीं हुआ है, अगर गड़बड़ी हुई है तो सुधार होगा। सर एक ये है कि जो बीपीएससी का जो टीआरई से जो रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो फर्स्ट फेज का, सर वो कब तक आएगा? जो बहाली हुई थी 170,000 जो शिक्षक की बहाली हुई थी उस पर आयोग के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद है उन्होंने ये कहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट तैयार है हमारा, जब भी शिक्षा विभाग कहेगा हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। मैं तो इतना कह सकता हूं कि ये उनका डिस्क्रिप्शन है, उसकी तैयारी चल रही है, वो जब प्रिपेयर्ड हो जाएगा तो वो लिस्ट जारी करेंगे, सप्लीमेंट्री लिस्ट, तदनुसार विभाग कार्रवाई करेगी। सर पिछली बार जो बैठक हुई थी कोर्ट मीटिंग, उसमें सीमेज जैसी जो संस्था है उस पर सर कार्रवाई की बात हुई थी, और भी सीमेज के साथ साथ कुछ और नहीं, और संस्थाएं सब है, जाँच हो रही है उसकी। थैंक यू सर।